हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12th के लिए, दैट इज फिजिक्स। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि पिछले वीक मेरे लेक्चर्स आए नहीं थे। 6-7 दिन मैंने एक भी लेक्चर नहीं बना पाया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल वर्क चल रहे हैं, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चालू है, इसलिए मैंने वो सारा इशू चल रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और फिर अपलोड नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा जो लैपटॉप है वो भी थोड़ा सा खराब हो गया है, तो कुछ टेक्निकल इशू भी क्रिएट हो गए हैं। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो मेरे को एक पेन टाइप की जरूरत थी, वो भी अवेलेबल नहीं था, तो अभी मैंने वो भी ऑर्डर कर लिया, तो वो 18 तारीख के आसपास आ जाएगा और मैं फिर से हम लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे। सो गाइज, मैं आज जो लेक्चर लेने वाला हूँ वही रहेगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। और एक मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये जो कोरोना का कहर अभी महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, तो इसके चलते कब तक लॉकडाउन बढ़ने वाला है वी डोंट नो। लॉकडाउन चाहे खत्म भी हो जाए लेकिन स्कूल कॉलेजेस या फिर हमारे जो क्लासेस है वो ओपन होना आज के डेट में तो मुझे तो पॉसिबल नहीं लगते हैं अगले 1-2 महीने के लिए। तो अगर अभी अभी तक किसी ने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होगी तो पढ़ाई स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो फेब में आने वाली है। कुछ लोगों का डिस्कशन ये भी चल रहा है कि सिलेबस कम होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो इन सब बातों के तरफ ध्यान मत दीजिए। कब सिलेबस खत्म होगा, जो खत्म होना है होने दो, कम होना है होने दो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को खाली पढ़ाई करनी है, ठीक है, अपना सिलेबस कवर करना है। रही बात फिजिक्स की, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं आपका सिलेबस खत्म करा के दे दूंगा, ठीक है। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाला है दैट इज प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाला है, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस करने वाला है, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेसिव वेव, तो एग्जैक्टली जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने ये चीज बड़े अच्छे से डिफाइन की। जो पिछला लेक्चर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, उसमें मैंने बेसिक्स के बारे में बात की थी, बेसिक बताए थे मैंने वेव्स के, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो वीडियो जरूर देख लीजिए बिफोर दिस वीडियो, ये वीडियो देखने से पहले, ठीक है। सो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज वेव्स। हमने पिछले लेक्चर में ही वेव्स क्या है ये समझ लिया था। व्हाट इज वेव, द ऑक्सिलेटरी डिस्टर्बेंस विच इज क्रिएटेड इन ए मीडियम, ठीक है, एक प्रकार का एक ऑक्सिलेटरी डिस्टर्बेंस है, वो कहां क्रिएट होता है, पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। जैसे कि मैंने बताया था, ये सपोज तो भी आपका एक वाटर का पॉन्ड है, ठीक है। अब वाटर के पॉन्ड के अंदर आपने स्टोन मारा तो क्या क्रिएट होता है, कुछ इस तरीके से वेव्स क्रिएट होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ वेव्स, इसे क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। सो व्हाट इज वेव, द ऑक्सिलेटरी डिस्टर्बेंस विच इज क्रिएटेड इन ए मीडियम इज कॉल्ड एज अ वेव, ठीक है। अब बात आती है व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हमको आसान भाषा में समझना है तो आसान भाषा में इसे कैसे समझ सकते हैं, सिंपल चीज है। जैसे आपको अगर पिछले 11th में सपोज मान के चलते 70% आए और 12th में अगर आपके 80% आए, तो आपने क्या किया, प्रोग्रेस किया, आपके जो परसेंटेज है वो क्या हुए, इंक्रीज हुए, मतलब फॉरवर्ड हुए, मतलब प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। तो यही सेम चीज आप यहां समझ सकते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ऑलवेज फॉरवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, ऑलवेज एडवांस इन अ गिवन डायरेक्शन, अ वेव विच इज कंटिन्यूअसली एडवांस इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे सपोज टू बी स्टोन मारा तो क्या होगा, वेव कुछ इस तरीके से निकलेगी और इस तरीके से क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, सही है। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं। सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, अ वेव विच इज कंटिन्यूअसली ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्या, कहां ट्रेवल होती है, कंटिन्यूअसली ट्रेवल होती है गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या, कौन सी वेव कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, इसी को हम लोग कौन सी वेव कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, समझ में। अब बात आती है ये किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ था। जैसे मैंने बताया हुआ था कि पार्टिकल जो है वो दो तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है,
ठीक है। तो मैंने बताया था इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एमपी, इस पोजीशन को कहते हैं ईपी। ईपी एमपी का मतलब होता है मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। इधर भी ऐसे ही रहता, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करता है, उसके मेन पोजीशन के अलोंग ऑक्सीलेट होता है या फिर वाइब्रेट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलते इनिशियली पार्टिकल कहां है, मेन पोजीशन पे। ठीक है, कुछ देर बाद पार्टिकल कहां मूव कर जाएगा, कहां मूव कर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। और जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, वो अपनी एनर्जी क्या कर देगा, किसको ट्रांसफर कर देगा, अगले वाले पार्टिकल को। जैसे ये पार्टिकल नंबर वन है, ये टू है, तो अपना एनर्जी क्या कर देगा, दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब ये सेकंड वाला पार्टिकल फिर से अपने मेन पोजीशन के अलोंग क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। लेकिन जो वन वाला पार्टिकल टू के जगह गया, वो फिर से वापस कहां आ जाता है, यहां से वापस कहां आ जाता है, फिर से वन पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है वो अपने जगह से कंप्लीटली माइग्रेट नहीं होती। बड़े अच्छे से वर्ड सुनिए, ये जो पार्टिकल है वो अपने जगह से कंप्लीटली माइग्रेट नहीं होते, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाते। ये खाली क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं, किसके अलोंग, मेन पोजीशन के अलोंग, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मेन पोजीशन, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और इस तरीके से वेव क्या होती है, क्रिएट होती है। अब जरूरी नहीं है ऐसा हॉरिजॉन्टली ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन हो, आपका इस तरीके का भी ऑक्सीलेशन या फिर वाइब्रेशन हो सकता है, वर्टिकल में भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से वेव क्या होती है, क्रिएट होती है। तो ये होगी वाटर वेव्स की बातें। अब वाटर वेव्स ही जरूरी है क्या, सेकेंड पॉइंट हम लोग साउंड वेव्स की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी साउंड वेव्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, साउंड वेव्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव का अगर एग्जांपल आपको समझना है तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने ये चीज कभी देखी है क्या, बहुत से लोगों ने 11th में देखी होगी, इसे हम लोग ट्यूनिंग फ्रॉग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिंग, ट्यूनिंग फ्रॉग। ठीक है, ये काय के काम आता है, टू प्रोड्यूस अ साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऐसा ट्यूनिंग फ्रॉग रहता है, ऐसी हैमर रहती है, उस पर आपको क्या करनी है, इस तरीके से हैमर करना। ठीक है, इस ट्यूनिंग फ्रॉग को, तो होगा क्या, ये जो आपके प्लंग्स है, ठीक है, इसे फ्रॉन्ग्स कहते हैं, फ्रॉन्ग्स। ठीक है, फ्रॉन्ग्स। ठीक है, ये फ्रॉन्ग्स क्या हो गए, ऑक्सीलेट हो गए। ठीक है, जैसे ये पोजीशन मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो मुझे बताओ इसके आजू बाजू में क्या रहेगी, सिंपल, इसके आजू बाजू क्या रहेगी, एयर रहेगी। इसके आजू बाजू क्या रहती है, एयर के लेयर रहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके आजू बाजू ये क्या है बोला मैंने, एयर के लेयर। ठीक है, एयर के लेयर रहेंगे। तो ये एयर के लेयर एक तो कॉम्प्रेस्ड होते हैं या फिर रेयर फैक्ट होते हैं। व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस का मतलब होता है ऐसे ऐसे पास पास में आ जाएंगे, मतलब ऐसे क्लोज क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, रेयर फैक्शन का मतलब ऐसे दूर दूर चले जाएंगे। तो कभी कॉम्प्रेशन होता है, कभी रेयरफैक्शन होता है, और इस तरीके से वेव एक जगह से दूसरी जगह करती है, ट्रैवल करती है। तो ये हुआ साउंड वेव्स के बारे में। ठीक है, अब वाटर वेव्स में कैसा होता है, वाटर वेव्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वाटर वेव्स में कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल करता है। तो ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड अ क्रस्ट। ठीक है, और ये जो पोजिशन है दिस इज कॉल्ड अ थ्रो। ठीक है, तो क्रस्ट थ्रो यहां बनते कौन से वेव्स में, वाटर वेव्स या फिर लाइट वेव्स में, क्रस्ट थ्रो बन के वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और साउंड वेव्स में क्या बनते हैं, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। तो ये जो दोनों के दोनों वेव्स है, ये कौन से वेव्स है, प्रोग्रेसिव वेव्स है। सो व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेसिव वेव्स, और वेव्स विच इज कंटिन्यूअसली ट्रैवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, ऐसी एक वेव जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती है कौन से डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो ये लिख लो प्रोग्रेसिव वेव का क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके कुछ पॉइंट है, मैं वन बाय वन सभी पॉइंट आपको है ना एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखेंगे और सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वन बाय वन पॉइंट मैं रीड करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा साथ में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे टॉपिक दैट इज प्रोग्रेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव्स के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रोग्रेसिव वेव के हम लोग क्या पढ़ने वाले, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ये है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है, इच पार्टिकल एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, द पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन एंड परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सभी पार्टिकल क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्या करते हैं, वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। जैसे मैंने तुमको बताया, ये पॉइंट नंबर वन है, एवरी पार्टिकल वाइब्रेट्स, ठीक है, एवरी पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सम ऑक्सीलेशन और सम वाइब्रेशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। सपोज अभी मान के चलते ये इस तरीके का है, ठीक है, ये वाटर बॉन्ड है। अपने वाटर बॉन्ड में क्या माना, स्टोन माना, तो क्या होगा, यह पार्टिकल इधर जाएगा, मेन पोजिशन से कहा जाएगा, मेन पोजीशन से जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फिर से कहा आएगा, मेन पोजीशन। तो इस तरीके से पार्टिकल क्या करेंगे, दूसरे तरह का ट्रांसफर होगे और क्या क्रिएट होगी, इस तरीके की वेव क्रिएट होगी, ठीक है। सो एवरी पार्टिकल वाइब्रेट एग्जीक्यूट सम वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन, ठीक है। और किसके अलॉन्ग ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, अलॉन्ग द मेन पोजिशन, अलॉन्ग वॉट, मेन पोजिशन। तो ये जो है वो मेन पोजिशन है, ये जो है वो एक्सट्रीम पोजिशन है, ये जो है वो एक्सट्रीम पोजिशन है। तो एवरी पार्टिकल, ठीक है, यहां इस वाटर के अंदर का, वाटर क्या हो गया आपका मीडियम, ठीक है, वाटर क्या हो गया आपका मीडियम, तो इस मीडियम के अंदर का हर एक जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है, ऑक्सीलेशन क्रिएट करेगा, किसके अलॉन्ग, मेन पोजिशन के अलॉन्ग। कभी ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, कभी ये पार्टिकल नीचे आएगा। तो इस तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट करके क्या क्रिएट होगा, आपका वेव क्रिएट होगा। और इसी वेव को SHM भी कहते हैं, ये वर्ड याद रखना, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इसी को हम लोग SHM भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, ठीक है। सो एवरी पार्टिकल इन द मीडियम आर वाइब्रेट और एग्जीक्यूट द सम ऑक्सीलेशन अबाउट व्हाट, अबाउट द मेन पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन। अब पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है, देखो, ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर एक पार्टिकल का, चाहे वो चाहे मान के चलते ये वाला पार्टिकल पकड़ लो चाहे ये वाला पार्टिकल पकड़ लो, इस सभी पार्टिकल का ये तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें, पॉइंट नंबर टू पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तीन चीजें कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है, चाहे वो उसका एम्पलीट्यूड हो, ठीक है, चाहे वो उसका एम्पलीट्यूड वेवलेंथ हो या फिर फ्रीक्वेंसी हो, ये तीनों चीजें कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है एवरी पार्टिकल की, चाहे वो ये पार्टिकल हो चाहे वो ये पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल का कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इसलिए ये वेव कंटिन्यूअसली वैसी की वैसी आगे फॉरवर्ड होती है, कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड होती रहती है गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, एवरी पार्टिकल इन द मीडियम ऑक्सीलेट और वाइब्रेट एग्जीक्यूट द सम वाइब्रेशन, ठीक है, एक तो ऑक्सीलेट करता है या फिर वाइब्रेट करता है अबाउट द मेन पोजिशन मीडियम के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या बताया, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे वो पार्टिकल नंबर वन हो चाहे वो टू हो। तो ये हुआ पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, द फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल वन टू द अनदर पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का फेज क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, फेज इज चेंज फ्रॉम पार्टिकल वन पार्टिकल टू अनादर पार्टिकल, ठीक है, हर एक पार्टिकल का फेज क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मुझे बताओ पहले पार्टिकल का फेज कैसा है, अबाउट द फेज है, ठीक है। अब मैं तुम्हें फेज का मतलब समझ देता हूं, व्हाट डू मीन बाय फेज, फेज इज द स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन, स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन। अब व्हाट डू मीन बाय स्टेट, पर्टिकुलर पार्टिकल का स्टेट कौन सा है, अबाउ द स्टेट, अबाउ द फेज है या बिलो द फेज है। अबाउ द फेज हो तो इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, और बिलो द फेज हो तो इसे हम लोग क्रस्ट, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल का फेज जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल चेंज होता है। जैसे इसका जो है पार्टिकल नंबर वन का अबाउ द फेज है, पार्टिकल नंबर टू का बिलो द फेज है,
तो फेस टू फेस क्या होता है, चेंज होता है। तो ये हुआ सेकंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। नो पार्टिकल रिमेंस परमानेंटली एट द रेस्ट, ईच पार्टिकल कम टू रेस्ट मोमेंटरीली व्हाइल एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन। अब ये देखो चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट बोल रहा है कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं रहता। ठीक है, हाँ श्योर। देखिए जैसे पार्टिकल नंबर वन से अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो धीरे धीरे पार्टिकल यहां का पार्टिकल यहां जा रहा है। ठीक है, आपको ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग, यहां का पार्टिकल यहां जा रहा है। ठीक है, यहां का पार्टिकल यहां जा रहा है, यहां का पार्टिकल यहां जा रहा है। तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, अपना वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो नो पार्टिकल इज इन अ रेस्ट। लेकिन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, जब वो यहां पे पहुंचता है, यहां पे पहुंचता है, वो थोड़े देर के लिए रुकता है। ठीक है, थोड़े देर के लिए क्या होता है, रुकता है। जैसे मैं यहां पे तुमको थोड़ा सा डिटेल में इस पॉइंट को समझा देता हूं कैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद रुकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं तो दूसरा एग्जाम्पल देके भी मैं समझा दूंगा। जैसे देखो ये अगर आपका वॉटर पॉन्ड है, आपने अगर यहां पे सपोज टू बी क्या स्टोन मारा, तो क्या होगा, यहां का पार्टिकल अपने जगह से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका मेन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल वन से कहां चला गया, यहां से कहां चला गया, यहां आ गया। ठीक है, तो यहां पे जाने के बाद अपनी एनर्जी क्या कर देगा, ये पार्टिकल नंबर वन टू को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन यहां आने के बाद वो क्या यही रुकता है, नहीं, वापस आ जाता है कहां पे, टू पे, वन पे। ठीक है, सो लेकिन यहां जाने के बाद अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो वो थोड़े देर के लिए रेस्ट में आता है, फॉर अ मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब क्या है, थोड़े से मोमेंट के लिए वो क्या करता है, रेस्ट में आता है। कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, अब आपको ये चीज थोड़ी सी समझी नहीं होगी तो मैं आपके एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझा के बताता हूं। देखिए ये आपने अगर कभी देखा है क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक्सट्रीम होता है लाइट स्ट्रिंग और उसको स्मॉल हेवी बॉब रहता है। बहुत लोगों ने देखा होगा, इलेवंथ में हम लोग ये अच्छे से पढ़ भी चुके हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो चैप्टर नंबर वन देख लो, पढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल पेंडुलम, ये हो गया इसका मेन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा खींचते हैं, छोड़ देते हैं। अब अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहां पर जब वो पर्टिकुलर हाइट पे चला जाता, जब उसको जहां से वो रिटर्न आता, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर के लिए ये कैसा आता, रेस्ट पोजीशन में आता है। आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा ये थोड़ी देर के लिए कैसा आता है, रेस्ट में आता है। ठीक है, तो कोई पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, ना यहां का कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं होता मीडियम के अंदर का। हर एक पार्टिकल अपना क्या ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन क्रिएट करता है, लेकिन पार्टिकल रेस्ट में आते हैं थोड़े देर के लिए, मोमेंटरी टाइम के लिए, कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आया, सो दिस इज पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फाइव देखिए क्या है, द पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पासेस थ्रू द मेन पोजीशन। अरे सही है, जब वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ट्रैवल करता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी लेता है अपना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट नंबर वन पे इसका वेलोसिटी कैसा है, मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। अब बात आती है, जरूरी नहीं है मैंने यहां पे पॉइंट दिया तो यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी, कहीं यहां पे हो रही होगी, कहीं यहां पे हो रही होगी। जैसे कि मैंने बताया आपकी वेलोसिटी, ये पार्टिकल रेस्ट में आने वाला है, तो रेस्ट में कहां आएगा, v इक्वल्स टू ep इक्वल्स टू जीरो, मतलब वेलोसिटी इज जीरो एट अ एक्सट्रीम पोजीशन फॉर अ सम मोमेंट। लेकिन जब वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ट्रेवल करता है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जनरली पॉइंट मेन पोजीशन पे जब वो स्टार्ट करता है वो रेस्ट में रहता है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, बीच में बढ़ेगी, धीरे धीरे फिर से कम होगी। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा तब वो रेस्ट में आ जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जब पार्टिकल मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ट्रेवल करता है, कहीं बीच में वो वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट नंबर पांच। अब बात आती है पॉइंट नंबर छह, ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ अ वेव द एनर्जी इज ट्रांसफर अलोंग द वेव, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ अ मैटर। ये पॉइंट भी मैंने समझा दिया है तुमको कि जब एक जगह से पार्टिकल, जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पार्टिकल जाता है, क्या बोला मैंने, जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पार्टिकल जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। पार्टिकल टू पार्टिकल क्या है, ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, बट विथआउट माइग्रेशन ऑफ अ, माइग्रेशन ऑफ अ व्हाट, माइग्रेशन ऑफ अ
पार्टिकल कंप्लीटली माइग्रेट नहीं होता भाई, ये चीज पिछले लेक्चर से बता रहा हूं कि पार्टिकल पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ गया, मतलब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया। जब वो पार्टिकल नंबर वन टू पोजीशन की तरफ गया तो वो अपनी एनर्जी क्या कर देगा, टू को दे देगा, ये वाले पार्टिकल को दे देगा, लेकिन वो एक्सट्रीम से फिर से कहां आ जाएगा, मेन पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली माइग्रेशन नहीं होगा उसका, खाली क्या ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ये पॉइंट नंबर छह हो गया। पॉइंट नंबर सात में आते हैं। पॉइंट नंबर सात क्या बोल रहा है, द वेव प्रोपोगेटेड टू द मीडियम विद अ सर्टेन वेलोसिटी, द वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। यस करेक्ट, पार्टिकल जो है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, पर्टिकुलर कैसे ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि मान के चलते यहां पे वेलोसिटी कुछ और है, 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 ठीक है। अगर आपका मीडियम अगर वाटर है तो वेलोसिटी कुछ और रहेगी, आपका मीडियम अगर ग्लास है तो वेलोसिटी कुछ और रहेगी, आपका मीडियम अगर गैस है तो वेलोसिटी कुछ और रहेगी। तो पार्टिकल का वेलोसिटी, वो अगर आपका वेव प्रोग्रेसिव वेव है तो पार्टिकल का वेलोसिटी आपके मीडियम के ऊपर डिपेंड कर देगा। वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, मीडियम, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। ये हुआ पॉइंट नंबर सात, ठीक है। पॉइंट नंबर आठ पे आते हैं, द प्रोग्रेसिव वेव आर द टू टाइप्स। यस, अब पहुंच रहे हैं हम लोग थोड़ा सा एग्जैक्ट, मुझे जो डिफाइन करना है उस पोजिशन पे हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। जनरली प्रोग्रेसिव वेव जो है पीडब्ल्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला होता है दैट इज सॉरी, पहले तो मैं थोड़ा सा और डिफाइन अच्छे से कर देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट आपको सभी समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको डिफाइन करने की बात करता हूं, ठीक है। जनरली वेव जो होती है वो दो टाइप की वेव होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव्स। ये पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए, मैं बार बार इसको डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। सो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वेव्स विच रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर देयर, विच डू नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो कहीं से भी ट्रेवल कर सकती है। इट मे बी ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम इज एन इमेजिनरी मीडियम, ठीक है, एक आइडियल मीडियम होता है। तो ऐसा एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव होती है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो कहीं भी कोई भी मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे हमारे सनरेज लाइट वेव्स, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कैन बी ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, वो कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसी को हम लोग कौन से वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट सनरेज इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात होती है मैकेनिकल वेव्स कौन से है, विच रिक्वायर्ड ए मीडियम, जिसको मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे साउंड वेव्स रिक्वायर्ड ए मीडियम, वाटर वेव्स रिक्वायर्ड ए मीडियम, जैसे साउंड वेव को एयर की जरूरत होती है तो मीडियम की जरूरत है, ठीक है, बराबर। या फिर बात करते हैं वाटर वेव्स की, मीडियम की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। सो दीज आर कॉल्ड टाइप ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव्स के दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है विच डू नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम, इसके चैप्टर सेपरेट है, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाला है मैकेनिकल वेव्स की, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग काय की बात करने वाले हैं, मैकेनिकल वेव्स की। तो मैं यहां पे चलता हूं, थोड़ा सा मैकेनिकल वेव्स को मैं अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं, आगे चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर एट पे पहुंच चुके हैं, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स द वेव विच रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, इसको मीडियम की जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब सबसे पहले समझते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, टीडब्ल्यू ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव अगर समझना है तो उसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट क्या है, सिंपल एक स्ट्रिंग ले लो कुछ इस तरीके का, उसको ए और बी पे फिक्स कर दो और बीच में प्लग करो, क्या प्रोड्यूस होगा, कुछ इस तरीके का वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से वेव बनेगी,
तो यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है, ट्रांसवर्स वेव में आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूं वो दो चीजें क्या है। एक होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एक चीज ये होगी। दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। ये दो शब्दों पे या सॉरी ये दो लाइनों पे सब कुछ डिफाइन हो जाएगा, आपका ट्रांसवर्स वेव भी डिफाइन हो जाएगा, लॉन्गी भी हो जाएगा। देखिए किस तरीके से डिफाइन होगा। अब अगर इसे देखते होंगे इस वेव्स को, मैंने क्या बोला, यहां पे एक स्ट्रिंग ले लो, ए पे फिक्स करो, बी पे फिक्स करो, बीच में प्लग करो, क्या होगा, वेव्स क्रिएट होगा। अब अगर आप देखते होंगे तो यहां पार्टिकल कहां गया भाई साहब, ऊपर गया, यहां का पार्टिकल क्या कहां गया, नीचे गया। सो दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन हुआ किसका, वाइब्रेशन हुआ किसका, पार्टिकल का, ठीक है। वो अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड किस तरीके से फॉरवर्ड हो रही है, इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रही है, वेव किधर जा रही है, इधर। सो दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव एक जगह से दूसरे जगह इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर इन दोनों में अगर मैं एंगल देखता हूं तो वो है आपका 90 डिग्री। मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, अ ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल, सॉरी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। जहां पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है किसको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को, उस वेव को हम लोग कौन सा वेव कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, उसे कौन सा वेव कहते हैं, हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है व्हाट डू मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव, या फिर ट्रांसवर्स वेव के पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल, सिंपल स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग इज एन एग्जांपल, ठीक है। स्ट्रिंग वाला एग्जांपल हो सकता है, या फिर आप लोग ये वाटर वेव्स का भी एग्जांपल ले सकते हो। सो दीज आर द वेव्स इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव, इसको हम लोग कौन से वेव्स कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब बात आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर आपको समझना है तो साउंड वेव को समझो, सिंपल। साउंड वेव में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल एक ट्यूनिंग फ्रॉक लेते हैं, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जब शुरू में ही बताया था लेक्चर के शुरू में ये चीज मैंने डिफाइन की थी, ठीक है। ये क्या है आपका टीएफ ट्यूनिंग फ्रॉक, ठीक है। इसको आपको हैमर करना है तो ये क्या करेगा, ऐसा करेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऑक्सीडेट करेगा, इसके प्रॉन्ग जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो लेयर्स होती है, मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे जो लेयर्स होती है कौन सी लेयर्स, ये हाँ, तो गाइज ये जो है वो अपना ट्यूनिंग फ्रॉक है। अब ट्यूनिंग फ्रॉक को आपको क्या करना है, ऐसा ट्यूनिंग फ्रॉक है उसको हैमर करना है, तो इसके जो प्रॉन्ग्स है, प्रॉन्ग्स क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो जो वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इसके आजू बाजू में क्या रहेगी, एयर रहेगी। तो एयर के जो लेयर है, जब वो मीन से एक्सट्रीम के तरफ जाएगा तो एयर के जो लेयर है वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस्ड हो जाएंगे, कुछ एयर के लेयर क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस्ड हो जाएंगे। कब, जब वो प्रॉन्ग कहां से कहां मूव करेगा, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ। देखो ना, जैसे ये प्रॉन्ग है, आउटवर्ड अगर मूव किया, इधर अगर डायरेक्शन में गया तो यहां पे जो एयर है उसको पुश करेगा, तो एयर क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से जब वो इनवर्ड मूव करेगा, बाहर गया, आउटवर्ड गया, फिर इनवर्ड जब करेगा, फिर से क्या क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। फिर से ये लेयर दूर दूर हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से दूर दूर हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। मतलब वेव्स क्या कर रही है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरीके से क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है। तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन कैसे है, ऐसी है, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। और वेव भी कैसे ट्रेवल हो रही है, ऐसी ट्रेवल हो रही है, आगे 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 आगे। सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल, आपको कौन सा वर्ड डालना है, पैरेलल वर्ड डालना है, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव, इसी को हम लोग कौन सा वेव कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, साउंड वेव, साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। सो
व्हाट इज वेव, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से, डू नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम, मीडियम की जरूरत नहीं होती. मैकेनिकल वेव्स वेव्स विच रिक्वायर्ड ए मीडियम. मैकेनिकल वेव्स आर प्रोग्रेसिव वेव डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव. व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. एग्जांपल बताओ, स्ट्रिंग का एग्जांपल दे दो, ठीक है, वाटर वेव्स का एग्जांपल दे दो, दीज आर द ट्रांसवर्स वेव. व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल वेव. इसका एग्जांपल बताओ, साउंड वेव्स, ठीक है. तो इस तरीके से मैंने पॉइंट नंबर 10 भी जो है, सॉरी पॉइंट नंबर 9 भी जो है वो कवर कर लिया. पॉइंट नंबर 10 में भी वही बोला है, ठीक है. पॉइंट नंबर 10 में क्या बोला है, ट्रांसवर्स वेव्स को, ट्रांसवर्स वेव जो है वो सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकती है. आपने अगर यहां पे अगर ट्रांसवर्स वेव में अगर एक आधा एग्जांपल लिया, ठीक है, एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, सपोज भी मान लिया, ये सपोज भी एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और आपने यहां पे सपोज भी ऐसा एक स्ट्रिंग फिक्स किया, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है रिजिड सपोर्ट सपोज भी सॉलिड है, तो यहां पे आपने ये जो स्ट्रिंग है लाइट स्ट्रिंग, इसको इस तरीके से किया, इस तरीके से एक बार ऊपर उठा के छोड़ दिया, क्या होगा, इस तरीके से वेव क्रिएट होगा, ठीक है. तो अब ये यहां से आप अगर देख रहे होंगे तो ये सॉलिड से भी ये वेव क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, सॉलिड से भी वेव क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है. तो इस वेव को हम लोग कौन सा वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्लूइड से भी जा सकता है, सिंपल फ्लूइड से कैसे जा सकता है, जैसे मान के चलते आपका पानी है, ठीक है, ऊपर से आप अगर साउंड क्रिएट कर रहे हो तो क्या वो पानी के अंदर वो साउंड जा सकता है, 100% जा सकता है. तो लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन बी ट्रैवल थ्रू फ्लूइड आल्सो. सो दिस इज द पॉइंट नंबर 10. तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स में मैंने पूरे 10 पॉइंट बताया है. सबसे पहले तो मैंने प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है वो बताया. व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, अ वेव विच इज कंटिन्यूअसली ट्रैवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वेव ट्रैवल करता है तो उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं, ठीक है. और उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली आपको 10 पॉइंट समझाया है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो आपको ये सभी के सभी 10 पॉइंट आपको उसके आपके बुक के अंदर मिल जाएंगे. रही बात आपको अगर इस चैप्टर के नोट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के अंदर डाला हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका मेरा खुद का नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है. सो गाइज, आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए लोग हैं वो लोग, वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर नाम का, उस पे वेव फेंक के मारिए. वेव मतलब जो भी मारना है आपको मारिए, ठीक है, लेकिन वो बटन जो है वो जरूर दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच.